एक बात हम डी सी साहब के पास लेके आए हैं कि हमारी जो बरादरी है माशा बरादरी, यहाँ पे हमारा वार्ड नंबर 7 में श्री नामदास जी का मंदिर बनाया गया, संस्था बनाई गई, कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को पहले रहे डिप्टी कमिश्नर खजूरिया साहब ने बनाया था, उसके बाद रतन चंद जी को कार्यभार दिया था। रतन चंद जी की अचानक मृत्यु होने के बाद वो पद खाली पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारी भाषा कम्युनिटी की जो आबादी है वो 1.5 लाख से ऊपर है, और कुछ गिने चुने जो बोलते हैं कि हम भाषा बरादरी के कर्ता धर्ता हैं, हम अब भाषा बरादरी की आवाज़ उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पर ये जो जितने भी मेरे परिवार के चाचे ताए भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, ये अपना एक दुख व्यक्त कर रहे हैं, और इनको बहुत ही अफसोस भी है और हमें भी है, क्योंकि जब हमें सरकार ने हर चीज़ दी, सहूलियत दी, पर हमारे आगे काम करने वाले जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कार्यभार संभाले कि हम आगे आपके सरपंच खड़पंच जो भी बनेंगे तो आपके लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन वो अपने ही राजनीति में मशरूफ हो गए, अपने ही घरों के लिए और अपने ही कारोबार के लिए मशरूफ हो गए। समाज जहां पड़ा हुआ है वो वहीं है, ना उनकी कोई सुनवाई है ना कोई सुनने वाला है। लिहाजा हम डी साहब से अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जैसे कठुआ, सांबा, उधमपुर जैसे वहां पे भी नाबदा जी के जम्मू डोगराल में माशा सभा का बड़ा अच्छा सदर कमेटी बनाई हुई है, वहां पे भी अच्छा सिस्टम चला जा रहा है, वहां पे हर समाज के लोग अपना वहां पे दुखड़ा रोते हैं और उनकी मदद होती है। लिहाजा हम भी चाहते हैं यहां पे माशा सभा का जो कमेटी बनाई गई है इसका गठन फिर से किया जाए। हम यही अपील करते हैं डीसी साहब से कि जितना भी जल्दी हो हमारे यहाँ पे कठुआ में इलेक्शन हो, महाशिवरात्रि के इलेक्शन हो, और जितने की मसाज है नौजवान लड़के, मैं पूरे कठुआ से छोड़ के पूरे जम्मू कश्मीर में एक संदेश देना चाहता हूँ, नौजवान लड़के आगे आए, जो पहले वाली लीडरी चली है वो बंद की जाए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।